हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपको एक रिवीजन सीरीज जो है शुरू करवाई है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जो आपका एग्जाम होना है। तो आज कुछ कारणों की वजह से जो है हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, कुछ रीजंस हमारे पर्सनल रीजंस हैं। तो मैंने क्या किया, पहले ही एडवांस में जो है रिकॉर्डिंग करके रख दी है, जिससे आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी रिवीजन हो रही है इस एग्ज़ाम के लिए, आपको पता ही है आप कितने सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम भी आपके लिए बड़े पूरी तरह से कंसर्न है। तो हमने पहले ही जो है एडवांस में जो है वीडियो बना के रख ली, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है बिल्कुल ब्रेक ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर के पिन पॉइंट करके जो है क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो कोशिश करना आपके सारे सही हों, अगर कुछ बीच में रह भी जाएंगे तो आपको पता ही है आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है फिर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, बट हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी जो है पूरी तरह से डील करता है, क्योंकि ये जो है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ जो है काम करता है। तो 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पता चल गया। तो इसका जो हेडिंग है ना, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे जो इसकी हेडिंग आती है वो वहां पर आती है फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 12th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे मैंने अभी आपको क्वेश्चन जो है पूरी तरह से नहीं बताया, पहले ही जो स्टार्टिंग में था, जो स्टार्टिंग में इसकी हेडिंग थी वही मैंने आपको पहले बता दी। जो 12th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो म्यूनिसिपैलिटीज के साथ जो डील करता है, ठीक है, और उसमें कितनी फंक्शनल आइटम्स हैं, कितनी आइटम्स के ऊपर जो है उसके काम होते हैं, ठीक है, कितने मतलब उसके चैप्टर्स होंगे, या आप ये भी कह सकते हो कितने चैप्टर्स हैं, या कितने टॉपिक्स हैं, या कितने आर्टिकल्स हैं, या कितने सेक्शंस जो हैं उसके अंडर है। अब जो हमारा 12th शेड्यूल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 1992 में हमारी 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है लाया गया हुआ है। ये चीज याद रख लो आप, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपको अब पता चल गया, 1992 में जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, जिसमें फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज जो है एक्ट लाया गया था, या एक जो है प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किया गया था। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। टोटल जो है 18th टॉपिक्स के ऊपर जो है ये पूरी तरह से 12th शेड्यूल जो है डील करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पता चल गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आंसर नहीं पता था, तो अगर इस चीज के बारे में नहीं पता था आपको, तो आपको एडिशनल जो चीजें बताने का मेरा जो फर्ज था वो मैंने आपको बता दिया है। ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट था। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे हमारे जम्मू कश्मीर का। इन्होंने पूछा है कब हमारे श्रीनगर में जो है सिख रूल शुरू हो जाता है, सिख रूल जो है कब हमारे जम्मू कश्मीर में जो है शुरू होता है। आपको पता ही है सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पे हिंदू रूल चलता है, फिर उसके बाद मुस्लिम रूल आ जाता है, कुछ डायनेस्टीज आती हैं, फिर बाद में मुगल रूल आता है, लास्ट में दुरानी एम्पायर या अफगान एम्पायर जो आता है, जिसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो सिख रूल जो है शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 1814 AD में जो है हमारे कश्मीर में, या जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरह से जो है सिख रूल शुरू हो जाता है, जिसके प्रतिनिधि आपको पता ही है महाराजा गुलाब सिंह होते हैं, और उनके साथ जो उनके दो भाई हो रहे हैं, तीन भाई होते हैं ना ये टोटल, तो तीनों ने जो है महाराजा जो रंजीत सिंह के बिहाफ पे हमारे जम्मू कश्मीर की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिवर है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके ऊपर। मर्जिंग ऑफ द टू हिमालयन रिवर्स, चंद्र रिवर, ठीक है, चंद्र रिवर एंड द भागा रिवर एट टांडी, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंबा एरिया में आता है ये। तो ये जो है, ये इन्होंने पूछा है, ये दो रिवर्स जो हैं, चंद्र रिवर और भागा रिवर जो है, जो टांडी एरिया में जो मिलती हैं, ये कौन सी रिवर को जो है जन्म देती है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। चार रिवर्स का जो है इधर ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, झेलम रिवर, तवी रिवर, रावी रिवर और चेनाब रिवर।
बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक चीज मैं बता देता हूं, तवी रिवर नहीं हो सकता, ठीक है, तवी रिवर नहीं हो सकता। तवी रिवर का अपना ही एक सोर्स है, वो आता है कैलाश कुंड ग्लेशियर। अब यहां पे हमने आंसर बताना है कि दो रिवर्स के मर्जिंग होने से जो है कौन सी रिवर बनती है। जब ये दो रिवर्स मिलती है ना, तो इस रिवर का नाम जो है पड़ जाता है चंद्रभागा। अब तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। यही नाम जो है इसका हिमाचल प्रदेश में रहता है, बट जब ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आ जाती है ना, किश्तवाड़ एरिया से जो जब हमारे जम्मू कश्मीर में आती है, तब इसका नाम जो है ऑप्शन नंबर डी चेनाब रिवर पड़ जाता है, ठीक है। चेनाब रिवर के बारे में आपको पता ही है, हमारे जम्मू के लोकल्स को सबको पता है चेनाब रिवर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के ऊपर जो है इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक और चीज, संस्कृत नेम, इसका संस्कृत नेम आपको पता ही है, अस्किनी है, और ये मेल नेम है चेनाब रिवर, आपको पता होना चाहिए ये मेल रिवर है। बाकी जितनी भी रिवर्स है ना, बाकी सब रिवर्स का नाम जो है फीमेल नेम के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब और चीज, चंद्र रिवर और भागा रिवर का जो है आपको सोर्स बता देता हूं। जो चंद्र रिवर का जो सोर्स है ना, वो आता है चंद्रताल लेक, ठीक है। चंद्रताल लेक है वो आती है हमारी क्या कहते हैं चंद्र रिवर की, और भागा रिवर का आता है सूर्यताल। ये रिवर्स जो हैं एक साथ में ही हैं, पड़ोसी हैं एक दूसरी की, सॉरी लेक्स जो हैं एक दूसरे की पड़ोसी हैं, और इनके बीच में एक वाटर डिवाइड आता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, इसको हम कहते हैं बारह लच्छा पास। ठीक है, बारह लच्छा ला पास जो है चंद्र रिवर और भागा रिवर के बीच में जो है वाटर डिवाइड का काम करता है, और इसका सोर्स क्या हो गया, भागा रिवर का जो है सूर्यताल लेक है, और चंद्र रिवर का चंद्रताल लेक है, ठीक है। बाकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपको लगता है मुझे और चाहिए इसके लिए, तो आप जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बाकी जो जो इसके बारे में, चेनाब के बारे में आपको पढ़ना था, वो आपको पता चल गया एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी आपको पता ही है तवी रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है हमारी चेनाब रिवर की। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, Who was the first Chinese person to visit Kashmir on his way to India? बताइए क्या नाम था इनका? इसका नाम था ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, ह्यू सैंग जो है सही आंसर होगा। जब हमारे कश्मीर में उस समय सम्राट दुर्लभ वर्धन थे, उनके रूल पे जो है ये हमारे ह्यू सैंग जो है कश्मीर में आए हुए हैं, चाइनीज ट्रैवलर थे ये। और आपको पता ही है, जब मैंने एंशियंट हिस्ट्री में शायद आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि जो भी हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो एंशियंट सोर्सेज हैं, हमें उसके प्रमाणिकता कहाँ से मिलती है, जो भी फॉरनर्स हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने जब वापस गए थे हमारे इंडिया की जो ग्लोरीफाई जब करना था उन्होंने, तो हमारे इंडिया के बारे में अपनी बुक्स में लिखा था, जिससे हमें पूरी तरह से एक्यूरेसी मिल जाती है कि हमारे इंडिया में सच में ये चीज़ें होती थी पहले, ठीक है। दुर्लभ वर्धन जो थे कश्मीर के सम्राट थे, उनके टाइम पे जो है जब ये कश्मीर में आए थे, ठीक है, 528 to 34 का पीरियड था जब वो हमारे यहाँ पे कश्मीर में आया। अब बात करते हैं इंडिया की भी, जब हमारे इंडिया में आए थे उस समय कौन से राजा का जो है यहाँ पे राज था, 630 AD में, ठीक है। भारत में जब ये आए थे तब वहां यहां पे सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है, इनका जब रूल था तब ये हमारे इंडिया में जो है आए थे, ठीक है। 528 टू 34 के पीरियड के बीच में जो है ये हमारे कश्मीर में आए हुए हैं। ये चीजों दोनों में जो है फर्क है, ये चीज आप जो है याद कर लेना। ह्यू सैंग के बारे में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये चीज जरूर पढ़ के जाना आप, इंडियन हिस्ट्री में चाहे नहीं पूछा जाए हमारी एंशियंट हिस्ट्री, बट जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में जो है ये चीज पूछी जा सकती है ह्यू सैंग के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर, ठीक है, जिसका पानी जो है रिवर लीडर से मिलता है उसको, गणेशपुरा एरिया में ये रिवर है। कश्मीर के लोगों को शायद इसका आंसर पता हो सकता है,
जम्मू के लोगों को जो है नहीं पता होगा इसके बारे में, मेरे को नहीं लगता कि पता होगा इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, मार्तंड कैनल है, ठीक है, मार्तंड कैनल है। इसकी टोटल लेंथ जो है 50 किलोमीटर आती है, ये चीज भी आप याद रखना। ये बाकी आपको पता ही है, रिवर लीडर से जो है इसका पानी मिलता है इसको, और ये गणेशपुरा एरिया में है। और अब ये किसने बनाई थी इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है, बताइए किसने बनाई थी ये, सम्राट ललितादित्य, ठीक है, इन्होंने जो है मार्तंड कैनल जो है बनाई हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एक चीज और, अब आपने जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में या टाउन्स जो है हमारे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस जो है पढ़ लीजिए, जैसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट होगी या डोडा डिस्ट्रिक्ट होगी, जैसे यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा होगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट होगी, ये चीज़ें जो है थोड़ी सी पढ़ लेना कि कब जब ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो है पार्ट बनी थी, बस ये छोटा सा काम करना आपने। जम्मू के जो है सांबा वगैरह डिस्ट्रिक्ट है इनके बारे में नहीं पढ़ना, आप उधमपुर के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, बड़ी ज़रूरी डिस्ट्रिक्ट है ये हमारी जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से जो है आजकल JKSSB वाले जो है क्वेश्चन डाल रहे हैं कि कैसे जो है इनको यहाँ पे हमारे इंडिया में इंडक्ट किया गया या जम्मू कश्मीर का कब पार्ट बना गया, कौन से राजा ने जो है इसको अपने जम्मू एंड कश्मीर की सोवेनिटी के अंडर जो है लाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बड़ा ज़रूरी जो है आजकल हमारे एग्जाम का पैटर्न जो है चेंज होता जा रहा है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। राजौरी जो है कब नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मैप में, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, 1 जनवरी 1968, ठीक है। अब राजौरी आपको पता ही है, राजौरी के बारे में आपको पता ही है वहां पे क्या है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, बड़ी जरूरी, सबसे जरूरी यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हो हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी भी वहां पे आती है। इसके साथ साथ बर्थ प्लेस है ये बाबा बंदा सिंह बहादुर, बर्थ प्लेस है हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर का, और 1 जनवरी 1968 में जो है इसको हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो है पार्ट कर दिया गया था, और इनको महाराजा गुलाब सिंह ने, सॉरी, इनको महाराजा गुलाब सिंह ने जो है 1813 ईस्वी में जो है कैप्चर किया था। उस समय मुगल रूल था हमारे यहाँ पे, तो उनसे जो है इसको जो है कैप्चर किया गया था, ठीक है, सॉरी मुगल रूल नहीं था उस समय, जो अफगान रूल था उनसे जो है यहाँ पे इसको जो है वापस लाया गया था, और सिख एम्पायर के अंडर जो है इसको लाया गया था, ठीक है। और 2006 में पहले क्या होता था, रियासी जो है इसी का पार्ट था, राजौरी का ही पार्ट था, बट 2006 में जो है इसको रियासी को सेपरेट कर दिया गया राजौरी से, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता चल गई रियासी के बारे में, चलो एक चीज़ पता चल गई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब आप इसका ये भी बता देना 2006 में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तब किसकी सरकार थी, ठीक है, ये चीज़ बता देना आप। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा ज़रूरी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है सेना मार्टिन या सेना मैरिन जो है इसका आंसर है, और ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां की भी जो है यंगेस्ट पीएम बने थे, साथ साथ दुनिया के भी जो है यंगेस्ट पीएम बने थे, और पहली वहां की जो है ये सबसे यंगेस्ट पीएम या फीमेल पीएम जो है बने थे ये, ठीक है, फिनलैंड के। चलिए अब आगे चलते हैं, और जब ये पीएम बने थे उस समय ये जो है 34 साल की एज के थे, 34 ईयर्स एज में जो है ये सबसे यंगेस्ट पीएम बने थे फिनलैंड के। चलिए अब आगे, इसके बारे में आंसर पता होगा आपको,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेवन टेरेस गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबर वन माउंटेन रेंज। जो जबर वन माउंटेन रेंज है ना, लेस हमारे हिमालयस का ही पार्ट है, जिसमें पूरी श्रीनगर सिटी जो आती है, जबर वन रेंज के अंडर ही जो है हमारी पूरी श्रीनगर सिटी आती है, जिसके अंडर फेमस वर्ल्ड फेमस डल लेक भी आती है, फिर उसके बाद जितने भी गार्डन्स हैं, मुगल गार्डन्स जो है, निशात बाग हो गया, शालीमार बाग वगैरह हो गए, वो सब जो है इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कौन सी ऐसी जो है सेवन टेरेस गार्डन जो है हमारे टॉप के जबर वन माउंटेन रेंज के जो है टॉप में आती है। इसका आंसर जो है परी महल आएगा। परी महल का आपको दूसरा नाम पता ही है, पैलेस ऑफ फेरीज। और ये जो है मिड 1600 एडी में बनाया गया था, और ये उस समय जो है एक सेंटर ऑफ लाइब्रेरी, साथ में रेजिडेंस थी उस समय जो मुगल प्रिंस थे दारा सिखों, उन्होंने जो है इसको बनवाया था अपने लिए। एक तो लाइब्रेरी वहां पे रखवाई थी, साथ में अपना रेजिडेंस भी जो है वहीं पे परी महल में ही जो है इन्होंने रखवाया हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, क्या आंसर है इसका? इन्होंने पूछा है कौन सी लेक का नाम जो है जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का जो है जीवल है, क्राउन है जो श्रीनगर का। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा इसका। ठीक है, डल लेक पता ही है आपको, डल लेक की आगे डिविजन भी आती है, जैसे नागिन लेक भी जो है डल लेक का ही पार्ट है, जो खान नाला आमिर खान के थ्रू जो है अलग हो जाता है डल लेक से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। होकेरा रामसर साइट, रामसर साइट जो है एक स्पेशल डेजिग्नेशन होती है वेटलैंड्स को। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है जम्मू एंड कश्मीर के पाया जाता है। ना जम्मू में आएगा, ना अनंतनाग में आएगा, ना बडगाम में आएगा। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीनगर आंसर आएगा। होकेश्वर वेटलैंड साइड या होकेरा वेटलैंड साइड, ये एक रामसर साइट है, और श्रीनगर की जो है ज़ैनाकोट एरिया, ज़ैनाकोट एरिया में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, और ये श्रीनगर की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। ये जो है वेटलैंड साइट तो है, साथ में एक जो है बर्ड रिजर्व भी है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया जम्मू में जो है घराना वेटलैंड है ना, जहाँ पे लोग जो है प्रवासी पक्षियों को देखने जाते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पे भी जो श्रीनगर का जो सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है ये आता है होकेश्वर या होकेरा वेटलैंड साइड है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। Which of the following districts was founded by Raja Bhim Sen या Bhim Sena in the 2306 BC? कितनी पुरानी ये सिटी होगी इसका मतलब, या डिस्ट्रिक्ट जो है कितनी पुरानी होगी, इसका आंसर बताइए क्या है। जब आप राजतरंगनी या नीलमत पुराण के बारे में जब आप बात करोगे ना, वहाँ पे बताया जाता था जो श्रीनगर की एंशियंट हिस्ट्री है, मैंने आपको वहाँ पे पेड कोर्स में भी बताया हुआ है, क्या होता था श्रीनगर पूरी तरह से पानी से गिरा हुआ था। उस लेक का क्या नाम था, सती सारस लेक था। फिर क्या होता है वहाँ पे ऋषि कश्यप जो है पूजा करते हैं, तो एक ईगल आती है वहाँ पे और अपने मुंह से जो है एक मोती का दाना जो है पानी में छोड़ती है, जिससे सारे डीमंस जो है मर जाते हैं। अब एक इसके साथ एक और जो है स्टोरी एक और आती है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है इसका, बारामूला। और नीलमत पुराण या राजतरंगनी में भी जो है बारामूला के बारे में मेंशन्ड है, और उसका इस समय नाम क्या होता था, वराहामूला। ठीक है, अब हमारी हिस्ट्री क्या कहती है कश्मीर की, कि उस समय जो पानी वहां पर ड्रेन हुआ था ना जब श्रीनगर सिटी बनी थी, तो ये बारामूला के माउंटेन्स के थ्रू ही जो है ये पानी जो है सारा बाहर गया था। इसके हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं कि यहाँ से जो है पहले एक लेक जो है ड्रेन हुई थी। अब वराहामूला का जो है दो मीनिंग आते हैं। ठीक है, वरा होता है पहला, दूसरा मूल, इसका मतलब होता है रूट। वरा आपको पता ही है हमारे जो हिंदुइज्म में जो है भगवान विष्णु का जो है अवतार है, बोर अवतार,
या बोर जिसको हम कहते हैं, तो कहा जाता है कि इन्होंने जो क्या किया था अपने दांतों से, वहां पे जो है बारामूला में एक जोरदार जो है टक्कर मारी थी, जिससे जो है एक पहाड़ वहां से टूट गया था और पानी जो है सारा वहां से खाली हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ये तो आपको पता चल गया। और किसने बनाई थी ये? राजा भीमसेन ने 2306 बीसी में, बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म होने से भी 2000 साल पहले जो है बारामूला तब भी हमारे यहाँ पे पाया जाता था। और लीन मत पुराण और राज तरंगी में दोनों में जो है इसका मेंशन है। चलिए अब आगे चलते हैं। जे एंड के स्टेट रिसेंटली, ये हमारे करंट अफेयर्स के साथ डील करता है, जम्मू एंड कश्मीर के, जे एंड के स्टेट रिसेंटली जो है एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है कौन से दो प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? सैफरन या एप्पल्स या वॉलनट, इनमें से क्या हो सकता है? अब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, क्योंकि एप्पल्स और वॉलनट जो है हमारे यहाँ पे पूरी तरह से अबंडेंस में है। सैफरन की जो है आपूर्ति थोड़ी कम होती है, मतलब हमारे इंडिया में पूरा हो जाता है ये, तो सैफरन जो है जितना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए उतना जो है कम है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। बट आपको पता ही है एप्पल और वॉलनट जो है बड़े ज़्यादा अबंडेंस में हमारे कश्मीर में जो है उगते हैं और बाहर ही एक्सपोर्ट तो होते ही हैं, आपको पता ही है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। चलिए, पीछे क्वेश्चन में हमने सैफरन को जो है ऑप्शन नहीं सही आंसर दिया था, तो यहाँ पे सैफरन आ गया। सैफरन को अगर गुस्सा लगा हो तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा वो। कश्मीर रीजन इज रिच इन हाई क्वालिटी ऑफ, बताइए ऑप्शन नंबर डी सैफरन। सैफरन ठीक है, पर्पल क्रोकस फ्लावर जो है इसका दूसरा नाम होता है। और कहां पे ये उगता है बताइए, कहां पे ये उगता है? पंपोर एरिया। ठीक है, तो जब भी पेपर देने जाओगे एक बार सैफरन के बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, चलिए आगे। चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, इसकी हमने जो है जब भी हम श्रीनगर के रास्ते में जाते हैं चनैनी तक जब हम घूमने जाते हैं तो वहां पे इसकी फोटो वगैरह हम शायद खींच के भी आते हैं। तो बताइए कौन सी रिवर के ऊपर जो है चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया हुआ है? कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा इसमें जब इसका आंसर पता चलेगा हो सकता है थोड़ी हैरानी हो, ठीक है, लोग कहेंगे यार इतना पानी तो है ही नहीं इसमें। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी तवी रिवर जो है सही आंसर है। चेनानी एरिया में जो है, चेनानी विलेज में जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया हुआ है और इसकी कैपेसिटी जो है 23.3 मेगावाट है। ठीक है, 23.3 मेगावाट है और ये 1967 में शायद जो है बनके तैयार हो चुका था पूरी तरह से। ठीक है, जेके एसपीडीसी, ठीक है, ये इसके ओनर है और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 23.3 मेगावाट। हो सकता है एग्जाम में अगली बार ये चीज नहीं पूछी जाए बट वहां पे कैपेसिटी पूछी जाए, तो वो चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। और कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? तवी रिवर के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। दो तरह का जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो आ गया जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर या दूसरा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। ठीक है, ये दोनों चीजें भी करके जानी है जो आपको हमने आपको कराया हुआ है। ये जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो आपको कराया ही हुआ है हमने। चलिए आगे, क्या आंसर होगा इसका? यूटी जो है लद्दाख की, कौन इसको एडमिनिस्टर जो है करेंगे या प्रेसिडेंट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसको हमारे यहाँ पे रखा हुआ है? या हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यूटी होगी या लद्दाख की यूटी होगी, किसका कौन है हमारे प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए, 15 बचे हैं बस। गुलमर्ग, कब जो है गुलमर्ग को डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन से डिपार्टमेंट ने इसको डिक्लेयर किया था? डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो है लोकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने
इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें आपको पता ही है गुलमर्ग गोल्फ क्लब भी है और साथ में गुलमर्ग वो जो है होती है वहां पे क्या कहते हैं उसको केबल कार प्रोजेक्ट जो है वो भी वहीं पे जो है होता है, यहीं पे है, इसी के आगे पीछे जो है, इसी के एरिया के अराउंड जो है ये दोनों चीजें होती हैं। और 1981 में ठीक है इसको जो है पहले गेम रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, पहले इसको 1981 में जो है गेम रिजर्व किया गया था और उसके बाद 1987 में ठीक है ए ऑप्शन 1987 में जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया। जब 1981 में इसको गेम रिजर्व किया गया तो उसके बाद 6 सालों के बाद जो है इसको 1987 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स ट्यूबर्स रिच इन डियोगेनिन एंड यील्ड कॉर्टिसोन ठीक है स्टीरॉइड हार्मोन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ ठीक है, थोड़ा मेरे को बायो देख के जो है डर लग जाता है, बायो मेरी बड़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझसे पढ़ोगे तो पूरे नंबर आएंगे आपके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा ठीक है। डायोस्कोरिया डेल्टोडिया ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, तो मुझे बायो के लिए माफ करना, साइंस पढ़ सकते हो आप मेरे से, फिजिक्स या केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो बट बायो नहीं। एटीन क्वेश्चन, इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सा इनमें से जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो आता है ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आता है खिरम वाइल्ड लाइफ रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये जो है वहां पे अनंतनाग में जो है 3-4 तरह के जो है कंजर्वेशन रिजर्व है ठीक है, ये सबको जो है 2019 में हमारी जो गवर्नमेंट थी ना दिसंबर में जो यूटी की गवर्नमेंट थी उस समय इन्होंने क्या किया इन सबको जो है मर्ज कर दिया, और जिसके अंडर मर्ज किया था ना जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर मर्ज किया था उसका नाम आता है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है, दिसंबर या अक्टूबर, अक्टूबर होगा मेरे ख्याल से, दिसंबर नहीं होगा शायद, अक्टूबर 2019 में जो है इन सबको मर्ज करके जो है यहां पे त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर जो है सब कुछ मर्ज कर दिया गया था ठीक है। चलिए अब 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पंचायत अदालत के अंदर जो है कितने मेंबर्स आते हैं ठीक है, कितने मेंबर्स आएंगे उसमें, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा 5 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। देखा कितना मुश्किल क्वेश्चन भी जो है जेके एसएसबी वाले पूछ सकते हैं, अगर आसान क्वेश्चन वो देते हैं साथ में 2-3 मुश्किल क्वेश्चन जो है उन्होंने जरूर देने होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा 5 मेंबर्स कमेटी। चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अदर देन राज तरंगिनी विच इज द ओल्डेस्ट एंशियंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। अब आपको पता ही है राज तरंगिनी किन्होंने बनाई थी, कल्हान ने बनाई हुई है राज तरंगिनी ठीक है, ठीक है कल्हान ने जो है राज तरंगिनी बनाई हुई है, बट राज तरंगिनी भी जो है एक तरह का इन्होंने आइडल सोर्स लिया था अपना, जिसको देख के इन्होंने जो है अपनी अपनी पर्सनल जो है एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर जो है लिखी हुई है, और जो वो सोर्स उन्होंने लिया था वो आता है नीलमत पुराण, तो नीलमत पुराण को जो है आप एंशियंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री का भी टाइटल दे सकते हो। ठीक है ये चीज आप याद रखना, एंशियंट सोर्स जो है हमारा सबसे पुराना
ओल्डेस्ट सोर्स, सॉरी ओल्डेस्ट सोर्स, सबसे ओल्डेस्ट सोर्स जो है हमारी कश्मीर हिस्ट्री का वो आता है नीलमत पुराण, और नीलमत पुराण जो है हमारे कश्मीर को महाभारत वॉर के साथ भी जो है पूरी तरह से रिलेट करता है। और उस समय इन्होंने बताया हुआ कि सबसे पहले जो राजा थे कश्मीर के वो थे गोनंदा वन, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 21st क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूंगा, बट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी सेक्शन जो है इसके साथ डील करती है। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जो है पूरी तरह से क्वेश्चन मिला हुआ है, उसमें से जो है क्वेश्चन लाया गया हुआ है, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा सेक्शन जो है हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इसके साथ डील करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्होंने बताया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारी जेके यूटी के, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कब जो है अपनी मर्जी से बुला सकते हैं, कि इतना टाइम पीरियड अगर वहां पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना टाइम पीरियड के गैप के बाद जो है इनको लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग के लिए जो है बुलाना ही पड़ेगा, सेशन के लिए जो है इनको बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड जो है 6 मंथ के से ज्यादा जो है वहां पे गैप नहीं पड़ना चाहिए, बी ऑप्शन जो है इसका आएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर में बता देना कौन सा सेक्शन जो है हमारे इसके जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के साथ जो है डील करता है। तो अगर नहीं पता होगा वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो वर्किंग होगी ना वहां पे आप पढ़ लेना इसको, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो वर्किंग होगी अगर वहां पे नहीं मिलेगा बट बेनिफिशियल तो आपके लिए रहेगा ना, तो उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी पढ़ लेना आप। तो टोटल सीट्स बताइए कितनी है अब हमारी यहाँ पे, बताइए कितनी टोटल सीट्स है हमारी यहाँ पे, 24 सीट्स जो है रिजर्व्ड है पीओके के लिए। ठीक है, और 83 सीट्स जो है जिनके ऊपर इलेक्शन होगा, उससे पहले बताया जाता है कि 7 सीटों की जो है डिलिमिटेशन की जाएगी, फिर उसके बाद 83 सीट जो है 90 सीट्स के ऊपर पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 243 के, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ जो है डील करता है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ जो है डील करता है। और टोटल मैं आपको बता दूं आर्टिकल 243 के में जो है टोटल 12 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उनमें से हमने एक सब्जेक्ट को जो है चुनना है जो यहाँ पे ऑप्शन के जो है सही आंसर होगा, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इलेक्शंस टू पंचायत जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो है आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब एक ऐसी डांस फॉर्म है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पहले पढ़ लीजिए। फॉलोइंग वॉज द पॉपुलर अमंग पीपल ऑफ रामबन इन द ओल्ड टाइम, हु यूज्ड टू परफॉर्म इट ड्यूरिंग कीर्तन और जागरण टू अपीज लोकल डाइटिस, ठीक है, ये जो है एक लोकल डांस है वहां का रामबन का जो पहले जो है परफॉर्म किया जाता था, तो अब इसकी जो है थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है यहाँ पे। अब क्या होता है, पहले ये जो है कीर्तन के टाइम पे जो है खाली यूज करते थे, बट अब के टाइम पे जो है जब शादी होती है ना किसी की, तो वहाँ के जो लड़के साइड के जो मामा जी होते हैं ना वो सारी जो है पूरी तरह से इस डांस फॉर्म को जो है परफॉर्म करते हैं खुशी जाहिर करने के लिए। तो ये जो है वहाँ की जो लोकल जो डांस फॉर्म है वो आती है थाली डांस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा इसका। चलिए अब आगे चलते हैं, रामबन की जो है लोकल डांस फॉर्म है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और पूरी तरह से जो है माइल्डली यूट्रॉपिक है। अब यूट्रॉपिक, माइल्डली मतलब ये थोड़ी सी है, हल्के से है, माइल्डली यूट्रॉपिक क्या होता है, वहां पे ग्रीन एल्गी की जो पिगमेंटेशन होती है ना वो लेक में जो है पूरी तरह से बढ़ने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ की जो एक्वाटिक या जो मैरीन लाइफ होती है वहाँ की डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो कब होता है, जब लेक में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का कंटेंट जब है लेक में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है,
जब ये कंटेंट जो है लेक में जब बढ़ने शुरू हो जाता है तो ये लेक जो है पूरी तरह से यूट्रॉपिक लेक होने जो है शुरू हो जाती है, ग्रीन ग्रीन तो जो है काई उसके ऊपर जम जाती है ना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, निगीन लेक या नागिन लेक जिसको है कहा जाता है, ठीक है। नगीना लेक भी इसको लोकल नेम दिया गया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन इज ए नियर थ्रेटन स्पीशीज, और इसको जो है ठीक है यूसीएन ने रेड कैटेगरी में जो है रखा हुआ है, बिल्कुल जो है लास्ट कैटेगरी होती है ये। इसका मतलब ये है कि ये इसके बाद कुछ सालों के बाद या कुछ पीरियड के बाद हो सकता है ये प्रजाति जो है खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ये कश्मीर और लद्दाख के बीच के जो पहाड़ है वहां पे जो है ये पाया जाता है, ये गोट की जो है फॉर्म होती है, इनके जो हॉर्न्स होते हैं थोड़े बेंड होते हैं ऊपर से जो है थोड़े बेंड की तरफ होते हैं ये, ठीक है। तो ये रॉ जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे जो है ये पाए जाते हैं, हिमालयन ताहर। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज द टाइम पीरियड ऑफ चिल्ले खुरुड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब हमारे कश्मीर में हार्श विंटर जब शुरू होती है 40 दिन का वो हार्श विंटर का टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबको पता होगा वो चिले कलान, ठीक है। तो ये जो है 40 दिन का टाइम पीरियड होता है, बट इन्होंने यहां पे पूछा हुआ है चिले खुरुड वो जो है टाइम पीरियड कितनी देर जो है हमारे कश्मीर में रहता है। जब चिल्ले कलान खत्म होता है ना फिर यहां पे हमारे यहां पे चिल्ले खुरुड शुरू होता है, ठीक है। चिल्ले खुरुड जो है शुरू होता है, फिर उसके बाद जब चिल्ले खुरुड जब खत्म होता है फिर उसके बाद चिल्ले बच्चा, जो है फिर ये लास्ट में जो है 10 दिनों का टाइम पीरियड होता है जब ये हमारे यहां पे कश्मीर में जो है होता है। तो चिल्ले खुरुड का जो है टोटल पीरियड जो होता है 20 दिन का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, और चिल्ले खुरुड जो है मेरे ख्याल से 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक जो है ये होता है, ठीक है। 19 या 18 फरवरी होगा चिल्ले खुरुड जो है उस समय जो है ये टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद के जो 10 दिन होते हैं 19 से लेकर आगे जो भी टाइम पीरियड होगा 10 दिन का जो है चिल्ले बच्चा होता है। फिर चिल्ले कलान जो है 21 दिसंबर से जो है 29 जनवरी तक जो है चिल्ले कलान होता है। और एक चीज आपको और बता दूं, ये बड़ी जरूरी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में ये एग्जाम में पूछा जाए आपसे, चिल्ले कलान के बारे में नहीं पूछा जाए, चिल्ले खुरुड के बारे में या चिल्ले बच्चा के बारे में जो है तीनों चीजें नहीं पूछे जाए, उनका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाए, बट हो सकता है एक चीज पूछी जाए कि जो वर्ल्ड फिरन डे होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना वर्ल्ड फिरन डे ये कब जो है हमारे कश्मीर में मनाया जाता है, हमारी दुनिया में जो है पूरी तरह से मनाया जाता है। और पहला दिन जो होता है ना हमारे चिल्ले कलान का जो 21 दिसंबर होता है उसी दिन जो है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड फिरन डे भी मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना, बड़ी ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन और बड़ी ही ज़रूरी भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम पता चल गया ना इसके बारे में, आपको डेट्स भी आपको पता चल गई, चिल्ले कलान चिल्ले खुरुड और चिल्ले बच्चा तीन तरह की जो है हार्श विंटर का टाइम होता है। और इस समय क्या होता है जो ग्लेशियर्स या पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है वो जमना स्टार्ट हो जाती है वहां पे, ठीक है। चलिए अब आगे 27th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू का पार्ट है ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। गुलमर्ग एंड लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है पाई जाती है और श्रीनगर में है ये, ठीक है। साथ साथ ये भी बताते जाना कितने आपकी क्या स्कोरिंग रही है, आपको आंसर पता थे या नहीं पता थे, और क्या ये बेनिफिशियल थी वीडियो आपके लिए, ये जरूर बताना हमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज ऑल्सो नोन एज मिनी कश्मीर? बताइए, लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर के लोकल हो आप, आपको पता होगा ये, हम लोग जाते हैं वहां पे। क्या नाम होगा इसका, क्या मतलब क्या आंसर होगा इसका? भद्रवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है भद्रवा होगा। और भद्रवा आपको पता भी है कहां पे आता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये, ठीक है, गए हो ना वहां पे घूमने डोडा में? अगर श्रीनगर नहीं गए तो जम्मू के लोग क्या करते हैं, भद्रवा चले जाते हैं। लोग कहते हैं क्या यार हर कोई श्रीनगर जा रहा है, हम अलग जगह जाएंगे, तो भद्रवा चले जाते हैं। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये भद्रवा, और हमारे 1841 में, शायद 1841 में जो है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, भद्रवा कब जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो है पार्ट बनता है, 1841 में पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये कब हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जब पार्ट बनता है, जब 1841 में महाराजा प्रताप सिंह क्या करते हैं, जब अपने भाई को, उनके जो छोटे भाई होते हैं राजा अमर सिंह, जब महाराजा प्रताप सिंह 1841 में जब महाराजा बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो अपने भाई को राजा अमर सिंह को क्या करते हैं, भद्रवा गिफ्ट में दे देते हैं ऐसे जागीर, ठीक है। अब राजा अमर सिंह आपको पता ही है महाराजा हरि सिंह के फादर हैं, और उन्हीं के ऊपर जो है वो बना हुआ है हरि सिंह पैलेस जो है, ठीक है। तो 1841 में जब महाराजा प्रताप सिंह राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, तो वो इनको जो है भद्रवा जो है गिफ्ट में दे देते हैं राजा अमर सिंह जी को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बारे में पहले भी ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन हुई है, एग्री इंपोर्ट जोन जो एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, दो चीजें जो है एप्पल्स और वॉलनट की गई थी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट्स या हमारी जो टाउन्स वगैरह जो हैं ये पढ़ के जाना थोड़ा सा इनके बारे में, कि कब जो है इनको हमारे यहाँ पे लाया गया था। मैंने आपको भद्रवा के बारे में बता दिया, तो उससे पहले शायद हम राजौरी के बारे में कर रहे थे, उस समय भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। अब जो है महाराजा गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ को जो है कब जीता था, ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, ये पढ़ के जाना आप। अब तो चलो आपको आंसर पता चल ही जाएगा, अब जो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप पढ़ लेना। तो महाराजा गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ को कब जीता था, या जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट में जब है कब लाया था, 1821 एडी में जो है किश्तवाड़ हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो है पार्ट बन जाता है, ठीक है। और एक चीज और, 1821 में जब ये लाया गया था ना हमारे यहाँ पे, जब इनको महाराजा गुलाब सिंह ने जब इनको कॉन्कर किया था, उस समय जो है ये पार्ट था उधमपुर का, ठीक है। 1821 से जो है ये उधमपुर तहसील जो उस समय होती थी उसका जो है ये पार्ट रहा। फिर उसके बाद 1948 में, ठीक है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो है पार्ट बन गया। और एक चीज और बता दूं, 1948 में ही जो है स्टेट की, हमारी स्टेट की जो है सबसे पहली रीऑर्गेनाइजेशन हुई है ऑन ए पॉलिटिकल बेसिस, या प्री कॉलोनियल या प्री इंडिपेंडेंट बेसिस भी आप कह सकते हो। पहले जो है राजा महाराजा जीतते थे, फिर मतलब कोई हार जाता था कोई जीत जाता था, बट 1948 में जो है पहली बार हमारी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है ऑन ए पॉलिटिकल बेसिस, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो है आज की सीरीज जो थी 30 क्वेश्चनों की खत्म होती है। तो बताइए आंसर्स जो है आपके क्या स्कोरिंग रही है, 30 क्वेश्चन थे, अगर 25 प्लस होंगे ना आपके तो फिर आपको पेपर पास करने से जो है जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमें यह भी बताना क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी नहीं थी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको वीडियो को बार बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी बेनिफिट्स पहुँच सके, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।